जहरीली शराब पीने से चार लोगों की मौत के मामले में कैबिनेट मंत्री सत्यदेव पचौरी ने कहा कि उन्हें मौत होने की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर मौत हुई है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा, प्रदेश के साथ साथ कानपुर में भी जहरीली शराब बाहर से आयात की जा रही है, लेकिन कानपुर में अब जहरीली शराब नहीं बन रही है। मंत्री ने ये भी कहा कि बहुत साल पहले कानपुर के पनकी के जंगलों जहरीली शराब की सूचना पर मैंने खुद जाकर छापा मारा था, लेकिन सब लोग भाग गए। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री और ये जिले में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, जहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद मीडिया को ये बयान दिया है। औरिया से राम कुमार राठौर की रिपोर्ट, SKH न्यूज। और इस कार्यक्रम के मेजबान आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र माठी जी से, जो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान मोर्चा। जहरीली शराब से कानपुर में चार लोगों की मौत हुई आज। आज जी, वहाँ था हिंदुस्तान न्यूज़ में कार्यक्रम में, तब तो जानकारी नहीं जी। सरकार ने कार्रवाई भी किया, आपकारी अधिकारी सस्पेंड भी हुए हैं। मैं बोला भी ये, और ये देखिए, ये जहरीली शराब बनाने का धंधा हो रहा होगा और कहीं हो रहा होगा, यहाँ आया थे थोड़ी होगी, उन्हें लगता है कानपुर में नहीं बन रही है, बाहर से आ रही होगी। ये सच है, कार्रवाई होनी चाहिए कि जो कई ऐसे जंगल वगैरह में यहाँ बना लेते हैं। अभी एक दफ़े हमने यहाँ पकड़ी थी पंखी में नहर किनारे भट्टी पकड़ी, तब बड़ा जंगल था जिसका किसको ये पता ही नहीं कि वहाँ ये काम कर रहे हैं। तो हमें कुछ लड़ों ने सूचना भी गए, पुलिस गई है।